सभी भारतवासियों को मेरा सलाम। सभी लोग डरे हुए हैं कोरोना वायरस के चक्कर में, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सावधानी बरतिए, हाथ अच्छे से धोइए अपने रिस्क तक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेल्स के अंदर भी अच्छे से आप अपने साबुन से, पानी से, बहते हुए पानी से हाथ धोइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही में अच्छे फल फ्रूट खाइए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहिए, ताकि आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत रहे और ये वायरस से लड़ने को बॉडी को खुद ब खुद मौका मिले। इरफान पठान की इस एडवाइस को अगर आपने सीरियसली ले लिया तो यकीन माने आपको दुनिया की कोरोना वायरस क्या कोई भी बड़ी तकलीफ नहीं होगी जो वायरस की शक्ल में इंसानों के पास आती है। खबरों की बात माने तो कल नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों का लॉकडाउन कर दिया है इंडिया को, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोग बाहर निकले जा रहे हैं। कुछ वीडियोज भी ट्विटर पे इस वक्त वायरल हो रही है जहाँ पुलिस वाले लोगों को सजा देते हुए दिखाई दे रहे हैं बाहर निकलने की वजह से। आइए दिखाते हैं आपको इस छोटे से क्लिप में। आप लोग भी बाहर निकलने से पहले सोच लेना, कहीं पुलिस आपको भी धर दबोच करके ऐसे काम ना करवा दे। दूसरी खबरों के बारे में बात करें तो इस वक्त शाहीन बाग का प्रोटेस्ट पूरी तरीके से खाली जरूर हो चुका है, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर एनआरसी और सीएए पर प्रोटेस्ट जारी है। जी हां, वहां की बालकनी और खिड़कियों से लोग इस वक्त भी सीएए एनआरसी का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिखाते हैं आपको इस क्लिप में। आगे खबर में बात करें तो ट्विटर पे एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिस वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि इरफान पठान और यूसुफ पठान दोनों मिलकर बाहर लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने का एक प्लान कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने एक वीडियो भी ट्विटर पे शेयर करके बताने की कोशिश करी है कि वो ये मास्क किसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को शेयर करेंगे ताकि वो लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ये सारे जो मास्क है ये मंगाए गए हैं अबा के नाम से, जो उनका ट्रस्ट चलता है महमूद खान पठान, और ये जाएंगे हेल्थ डिपार्टमेंट को और वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जरूरतमंदों को। खान साहब बताएंगे इसके बारे में आगे। काफ़ी अच्छा और काफ़ी नेकी का काम ये दोनों भाई मिलकर के कर रहे हैं, और उम्मीद यही की जा रही है कि जितने बड़े बड़े लोग आज की तारीख अपने घरों में बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों को कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करें, लोगों की मदद करें, चाहे वो मास्क से हो चाहे वो खाने पीने से हो। आपसे भी ये गुजारिश है जो इस वीडियो को सुन रहा है, आप अपने आस पड़ोस में ज़रूर नज़र रखें, कोई भी ज़रूरतमंद मिले तो प्लीज़ पीछे न हटें, आगे बढ़ के मदद करें। खबरों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।